दोस्तों, अगर आपने अपने गेम बॉक्स को फैक्ट्री रीसेट कर दिया है या फिर किसी भी तरीके से गेम की पेन ड्राइव लगाने के बाद भी बार बार आपका एंड्रॉयड बॉक्स ही खुलता है, अगर आपका पेन ड्राइव बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर सही है, तो आप ये वाली ट्रिक कर लीजिए। अपनी पेन ड्राइव को गेम बॉक्स की लगा लीजिए पीसी में, और उसमें ये जो दो फाइल मैं दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वरना व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं आप। और कॉपी करके आप सिंपली पेन ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए एमए लेक वाली ड्राइव में। यानी याद रखिएगा, गेम ड्राइव लगाएंगे तो दो ड्राइव शो करेगा, एमए लेक और ई रोम। एमए लेक में कॉपी कीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, गेम बॉक्स की ड्राइव को यानी पेन ड्राइव को निकाल कर गेम बॉक्स में लगा लीजिएगा। सिंपली फाइल मैनेजर में आ जाइएगा। फाइल मैनेजर में आने के बाद में अलाउ कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो। और इसमें तीन डिस्क होंगी, लोकल डिस्क, एम एल एक और ई रोम। एम एल एक में जाइए। एम एल एक में जाने के बाद आपको वो वाली फाइल दिखाई देगी जो आपने कॉपी करी है। कॉपी करने के बाद में सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। राइट साइड में नीचे, सबसे नीचे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। अपने टीवी वाले रिमोट यानी जो गेम बॉक्स के साथ में आपको मिलता है, वो वाले टीवी से, रिमोट से कंट्रोल कीजिएगा। और उसके बाद में आप इसको जो है ना, इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल डन करके आप इससे बाहर आ जाइएगा। जब आप डन कर लेंगे तो बिल्कुल बैक आ जाइएगा। उसके बाद में ऐप्स में जाइएगा, और ऐप्स में जाने के बाद में आप जो है ना, ये दो ऐप शो करेंगी आपको। अगर एक शो करती है तो भी, दो शो करती है तो भी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो इंस्टॉल गेम वाली, चाहे वो लिब्रेक वाली, कोई भी हो, आप उसका यूज़ कीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक ऐप खोलेंगे तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है, एक होता है कैंसिल, एक होता है ओके, या फिर एक्सेप्ट लिखा होगा तो ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर ओके करेंगे तो ये आपका गेम बॉक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे देखिए, अब लोकल गेम ने आपको दिखाया, अब मैं आपको लिब्रेक एलेक वाली ऐप दिखाता हूँ जो सेकंड नंबर पे आपको, सॉरी थर्ड लाइन में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक्सेप्ट आर दिखा हुआ है, तो ये वाले को कर देना एक्सेप्ट आर। ठीक है, कोई दोनों में से भी कोई एक ऐप यूज़ करिए, एक्सेप्ट या ओके कीजिए, और गेम बॉक्स रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद में आपका क्या होगा कि वापस गेम बॉक्स वर्क करना शुरू हो जाएगा, और ये आपको अभी देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, गेम बॉक्स के साथ में जो रिमोट मिलता है ना, उसी के यूज़ से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गेम बॉक्स के साथ जो गेम पैड मिले, उनका सिर्फ खेलने के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रो आ चुका है, ध्यान से देख सकते हैं, और इस तरीके से आप गेम प्ले कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय।